स्ट्रॉन्ग ग्लोबल मार्केट एंड एसजीएक्स 55.2 पर, ये इंडिकेट कर रहा है कि भारतीय बाजार की एक मजबूत शुरुआत देखने को मिल सकती है आज। अगर मैं बात करूं तो कल यूएस एंड आज एशियन मार्केट भी काफ़ी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। एशियन मार्केट में निकाई एंड हैंगसेंग दोनों ही 1% से अधिक की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय बाजार की उम्मीद है कि एक पॉजिटिव शुरुआत होगी, लेकिन देखना यह है कि ओपनिंग के बाद निफ्टी कैसे रिएक्ट करती है, क्योंकि जहां पे निफ्टी ने कल क्लोजिंग दी है वो इसका सपोर्ट जोन है जो कि 10,600 से 10,580 का बनता था जो मैंने पहले भी डिस्कस किया। तो उम्मीद है कि वहां पे निफ्टी कैसे रिएक्ट करेगी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने भारतीय बाजार के लिए। अगर मैं कल की बात करूं तो कल भी हमने काफ़ी तेज शुरुआत देखी थी। फर्स्ट हाफ में निफ्टी ने काफ़ी स्ट्रांग मोमेंटम दिखाया था, मेजोरिटी ऑफ सेक्टर्स काफ़ी स्ट्रांगली पार्टिसिपेट कर रहे थे, बीएफएसआई में काफ़ी अच्छी मोमेंट देखने को मिली। वही निफ्टी ने कहीं ना कहीं 10,730 की हाई बनाई, लेकिन वो मोमेंटम सेकेंड हाफ में थोड़ा फिजल होता हुआ नजर आया और सारी बढ़त जो थी वो तुरंत ही फिजल हो गई और निचली स्तर जो था वो 10,585 का बना और क्लोजिंग कहीं ना कहीं अपने निचली स्तर के आसपास 10,604 के आसपास जाकर के हुई है। तो अगर आज का मार्केट एक पॉजिटिव टोन रखता है तो हमें उम्मीद है कि एक माइनर डिप या 10,600 के आसपास की एक बाई बनती है निफ्टी में। निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट जो यहाँ से बनता है वो आता है 10,580 का और उसके नीचे आता है 10,540 का। रेसिस्टेंस की अगर बात करूँ तो रेसिस्टेंस बनता है 10,680 और 10,725 का। उम्मीद है कि आज भी पॉजिटिव मोमेंटम निफ्टी में बरकरार है।